इस हालात में इन इसी मुल्क में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। अब डॉलर में इनकम बनाना बोलना तो बड़ा आसान है, मैंने आप लोग को बोल दिया कि हमें इनकम बनानी है डॉलर में, अब क्या ये इतना ही आसान है? और आज मैं आप लोग को गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर हमारी यूथ डॉलर मेकिंग प्रोसेस में चले जाए, जैसे इंडिया ने किया है, इंडिया की अगर आईटी एक्सपोर्ट्स देखें, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं, अब हम इस बाहर जाने वाली यूथ को यहां रोके ना, गूगल एड्स है, आप एसईओ मार्केटिंग सीख लें, आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लें, मेटा जो है इंस्टाग्राम की, ये मार्केटिंग सीख लें। रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप समझ लें कि मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी यूथ को बता सकूं कि इस मुल्क में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब पॉइंट ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफी हद तक ना आप लोगों को मसले मसाइल ही बताए कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर ऊपर चला गया। अब देखिए, सॉल्यूशन तो होता है अगर बंदा सॉल्यूशन ढूंढना चाहे तो। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि इस हालात में इन इसी मुल्क में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। अब पॉइंट सिंपल सा है कि भाई हमने वो चीजें ढूंढनी है जो हमें भी फायदा पहुंचाए और हमारे मुल्क को भी ऊपर लेके जाए। अब इसमें सरे फहरिस्त जो इस टाइम पे हमें अपनी इनकम बनानी है डॉलर में। अब डॉलर में इनकम बनाना बोलना तो बड़ा आसान है, मैंने आप लोग को बोल दिया कि हमें इनकम बनानी है डॉलर में, अब क्या ये इतना ही आसान है? तो देखिए, मेरी एक एडवाइस है कि अगर इंसान किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी में काम करता रहे। इसकी बेहतरीन मिसाल है, अगर मैं फाइनेंस प्रोफेशन से हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, और ये कोई आप समझ लें कोविड के बाद मैंने काम सीखा ही है। और आज मैं आप लोग को गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर हमारी यूथ डॉलर मेकिंग प्रोसेस में चले जाए, जैसे इंडिया ने किया है, इंडिया की अगर आईटी एक्सपोर्ट्स देखें वो पीक पर है और हम लिस्ट में ही नजर नहीं आते, हमारी फेमस एक दो आईटी कंपनीज है। जब भी कभी मेरी किसी यूथ से बात होती है वो यही कह रहा होता है कि मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। अब हम इस बाहर जाने वाली यूथ को यहां रोके ना और उनको भी ये समझ आए कि हमने क्या करना है। अब आप सिंपल सी बात है जो मैंने अभी शेयर की कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको हमारी यूथ को चाहिए कि वो ज्यादा कुछ ना करे, चंद चीजें जिसमें सरे फहरिस्त आजकल डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केट में आप सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, सब पे एड चल रहा है, आप वो एड बनाना सीख लें। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप अच्छा एड बना लें तो आप एक घंटे का जितने भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं $15 तो बना ही लेंगे, नहीं तो मरे से मरा $10 बना लेंगे। अब बात ये कि क्या $10 में फायदा होगा, यानी देखिए इनकम पैसिव हो तो आपको बहुत फायदे कर सकती है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा बनाओ। कंसिस्टेंसी की होती है, आप उसमें एफर्ट्स डालते रहें, इंशाल्लाह आप किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस कंट्री में भी रहा जा सकता है, इस कंट्री में रहते हुए काम भी किया जा सकता है, आप अपने साथ जोड़ते रहें। अगर आप कोई ऐसी फील्ड से मुंसलिक हैं, आप हार्डवर्क हैं, आप ये वीडियो बना के डालना शुरू कर दें, आप कंटेंट बनाना शुरू कर दें, आजकल वीडियो एडिटिंग की डिमांड है, आप वीडियो एडिटिंग कर लें। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपने आप को इस तरह कर लें और फ्यूचर को, यूथ को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है इसकी तरफ ले जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी मुल्क में रहते हुए हम डॉलर कमा सकते हैं, क्यों? हमारे इर्द गिर्द लोग नहीं है जो बैठ के डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, तो हमें उनसे देखना है, सीखना है और अपने आप को आगे लेके चलना है। बस मैं कंक्लूड करते हुए चंद पॉइंट्स बता दूं कि ये चीजें आप सीख लें, जिसमें सरे फहरिस्त गूगल एड्स हैं, आप एसईओ मार्केटिंग सीख लें, आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लें, मेटा जो है इंस्टाग्राम की, ये मार्केटिंग सीख लें। अगर आप लोगों को यही चंद चीजें आ गई तो आप लोग इजीली अच्छे खासे कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम डॉलर्स में बना सकते हैं। और जो ये हमारे मुल्क का मसला है गुर्बत का, ये 20,000 से 25,000 जो कमा रहा है तो उसको कम्पीट नहीं हो रहा, क्योंकि हम अगर डॉलर में कमाएंगे तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में।